भीड़ का यह हाल था, मत पूछिए कमाल था। फर्श पर भी आदमी थे, सीट पर भी आदमी थे, बर्थ पर भी आदमी थे, और तो और छत पर भी आदमी थे। वो तो रेल वालों ने इससे ऊपर कोई जगह ही नहीं बनाई। हमारी शायरी तो दिल की उल्फत का बयां रश्मि, जो शब्दों से महज खेले कभी शायर नहीं होते। एक भीड़ भरी रेल में मैं चढ़ा तो मेरे साथ क्या क्या हुआ जी? कि एक दिन हम भारी भीड़ भरी भारतीय रेल में चढ़े क्या चढ़ाए गए, क्या बात है, कई कंधों पर धरकर भीतर सरकाए गए। भीड़ का यह हाल था, मत पूछिए कमाल था। फर्श पर भी आदमी थे, सीट पर भी आदमी थे, बर्थ पर भी आदमी थे, और तो और छत पर भी आदमी थे। वो तो रेल वालों ने इससे ऊपर कोई जगह ही नहीं बनाई। क्या बात है, क्या बात है, वरना आदमी वहां भी होते भाई। सही बात है। कौन जाने किस पर पड़ा था, आदमी से आदमी सटा खड़ा था। बढ़िया, बढ़िया। सब एक साथ सांस ले रहे थे, एक साथ सांस छोड़ रहे थे। जो भी सांस लेने में जरा गड़बड़ा जाता था उसे फौरन एक धक्का लग जाता। बढ़िया। और हमारे आगे वाला व्यक्ति तो शायद गैस का मरीज था, और पता नहीं क्या खा के आया। क्या बात है? कि सारे वातावरण में भारी प्रदूषण फैलाया। हमसे वहां खड़ा ही नहीं हुआ जाता था क्योंकि हर 15 मिनट बाद एक गैस कांड हो जाता। हमारे बगल वाली महिला का बच्चा रो रहा था और पीठ हमारी थपथपाई जा रही थी, और इतनी जोर जोर से थपथपाई जा रही थी कि हमें भी रुलाई आ रही। एक व्यक्ति ऊपर बैठा हुआ मूंगफली चबा रहा था और छिलके धीरे धीरे हमारे कान को कूड़ेदान समझ के उसमें सरका रहा था। मूंगफली तक तो मैं चुप था भाई, पर जैसे ही उसने सिगरेट सुलगाई, मैंने अपना सर वहां से फौरन हटा लिया। भाई कहीं एस्ट्रे समझ के ही ना बुझा दे। रेल में भीड़ इस कदर थी भाई कि हाथ को मुंह तक भी नहीं देता था दिखाई। मुझे तो तब बड़ी हंसी आई जब एक व्यक्ति ने अपनी बीड़ी मेरे मुंह में लगाई। पहले कस का धुआं मैंने उड़ाया, दूसरे कस का धुआं किसी और ने उड़ाया। उस व्यक्ति का जलता रहा बहुत जी, क्योंकि उसकी सारी की सारी बीड़ी औरों ने ही पी। एक भद्र महिला ने तो हद ही कर दी जब उसने अपने बच्चे की दूध की बोतल ही मेरे मुंह में धर दी। एक व्यक्ति ऊपर सामान रखने की जगह पर ही सो रहा था, राम जाने कैसे सपनों में खो रहा था। हर 2-4 मिनट बाद अपना हाथ नीचे गिरा देता था और बड़े प्यार से हमारी बची खुची जुल्फों में फिरा देता। एक व्यक्ति लेटी बैठी खड़ी आड़ी तिरछी पड़ी समस्त मानवीय बाधाओं को बड़ी वीरता से पार करता हुआ आ रहा था। एक व्यक्ति लेटी बैठी खड़ी आड़ी तिरछी पड़ी समस्त मानवीय बाधाओं को बड़ी वीरता से पार करता हुआ आ रहा था, क्योंकि उसे आ रहा था। क्या बात है। लेकिन वो जा नहीं पा रहा क्योंकि वहां कोई और जा रहा। हमारे बगल वाली महिला का बच्चा अब भी रो रहा था, हमारी पीठ अब भी थपथपाई जा रही थी, और तो और वो साथ साथ लोरी भी गा रही थी, सो जा मोहन प्यारे सो जा। इतनी पिटाई के बाद मैंने खुद को ही मोहन समझा, मैं खड़े खड़े ही सो गया। एक जगह ट्रेन ने 4 घंटे का समय गुजार डाला तो एक नए नए दूल्हे से बर्दाश्त नहीं हुआ वो गड़बड़ घोटाला। फौरन जाकर ड्राइवर से बोला, भाई साहब अगर आप गाड़ी इसी तरह से चलाते जाएंगे तो हम तो मारे जाएंगे, हम तो अपने स्टेशन पर अपनी दुल्हन और शायद एक आध बच्चे समेत ही उतर पाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक व्यक्ति बोला, भाई साहब मेरे मामा के फूफा जी ने मुझे कल ही एक कंपनी में नौकरी दिलवाई है, वो परसों मुझे आगरे में ज्वाइन करवाएंगे। दूल्हा बीच में ही चिढ़कर बोला, वहां तो आप रिटायरमेंट के टाइम ही पहुंच पाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। और उस ट्रेन के लेट होने की बात आपको क्या क्या बतलाएं, क्या क्या समझाएं, हम ऐसी ही एक ट्रेन से उतरकर सीधे आपके इस कार्यक्रम में आए हुए हैं, और आप विश्वास मानिए हम आपके 10 एपिसोड पहले के बुलवाए हुए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जमाने भर के दीवाने सभी दिलबर नहीं होते, जो मेरे साथ चलते हैं
सभी रहबर नहीं होते, जो मेरे साथ चलते हैं वो सब रहबर नहीं होते। हमारी शायरी तो दिल की उल्फत का बयां रश्मि, जो शब्दों से महज खेले कभी शायर नहीं होते, जो शब्दों से महज खेले कभी शायर नहीं होते। चार पंक्तियां और पहुंचाती हूँ आप तक, सुनिएगा। कोई मासूम कहता है, कोई कातिल समझता है। कोई मासूम कहता है, कोई कातिल समझता है। कोई मझधार कहता है, कोई साहिल समझता है। रूप की रश्मि पर मिटने को सब तैयार हैं, लेकिन मेरा दिल तो तुम्ही को प्यार की मंजिल समझता है। मेरा दिल तो तुम्ही को प्यार की मंजिल समझता है। और एक गीत आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। प्यार कितना है तुम आंकते रह गए, प्यार कितना है तुम आंकते रह गए। हम तुम्हें उम्र भर चाहते रह गए, हम तुम्हें उम्र भर चाहते रह गए। प्यार कितना है तुम आंकते रह गए। गीत का पहला बंद सुनिएगा। तुमको ढूंढा किए खुद को हम भूल कर, तेरी यादों की झिलमिल चुनर ओढ़ कर, उसमें सपने नए टाँकते रह गए, उसमें सपने नए टाँकते रह गए। हम तुम्हें उम्र भर चाहते रह गए, हम तुम्हें उम्र भर चाहते रह गए। अपने हिस्से में आए जमाने के गम, आंसुओं को छिपा कर के पलकों में हम, क्या बात है, अपनी खुशियाँ तुम्हें बांटते रह गए, अपनी खुशियाँ तुम्हें बांटते रह गए। हम तुम्हें उम्र भर चाहते रह गए। और गीत का आखिरी बंद आप तक पहुँचा के विदा लेती हूँ, सुनिएगा। मेरे गीतों का केवल तुम्हें लय बनो, अगर मैं गंगा बनूं तुम हिमालय बनो, बस दुआ में यही मांगते रह गए, बस दुआ में यही मांगते रह गए। हम तुम्हें उम्र भर चाहते रह गए। धन्यवाद।